आज की जो स्थिति है, साइक्लोन डिपरजा है, एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और ये जखो पोर्ट से लगभग 280 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में केंद्रीभूत है और ये पोरबंदर से लगभग 350 किलोमीटर, नालिया से 300 किलोमीटर और देवभूमि द्वारका से 290 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है। जैसे आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं वो ऑब्जर्व ट्रैक है, रेड लाइन फोरकास्ट ट्रैक है। हमारा फोरकास्ट के हिसाब से ये साइक्लोन धीरे धीरे स्लाइटली वीकनिंग होगा मगर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे 15 तारीख को शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान कोस्ट है इसको हीट करेगा और टकराएगा, तब इसका विंड स्पीड लगभग 125-135 किलोमीटर/आवर, गोस्टिंग 250 किलोमीटर/आवर होगा। और जो व्हाइट स्पॉट से हमारा पूर्वानुमान यही है कि मांडवी और कराची के बीच में जखाव कोर्ट के आसपास यानी थोड़ा से लेफ्ट की जखाव के लेफ्ट में ये कोस्ट को हिट कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये विंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये विंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप देख पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी जो है अभी बहुत वल्नरेबल है, वहां विंड स्पीड अभी 145-155 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और यही विंड स्पीड धीरे धीरे कम होते हुए कल 125-135 गोस्टिंग 250 किलोमीटर/आवर हो सकता है। ये सभी खतरनाक होता है फिशिंग ऑपरेशन के लिए, शिप ऑपरेशन के लिए, ऑफशोर इंडस्ट्रीज के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए सब। इसीलिए हम सभी को एडवाइस दे रहे, वार्निंग दे रहे कि कोई नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के अंदर न जाए और जो है वो सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अभी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज विंड वार्निंग आप देखें तो कैन यू प्लीज साइलेंट प्लीज। म्यूट कर दीजिए। ओके, सो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज विंड वार्निंग देखे तो आप जो ऑरेंज कलर आप यहाँ देख रहे हैं दैट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट और गल्फ ऑफ कच्छ का लगे हुए है जैसे देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट और जूनागढ़, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा विंड्स होने का संभावना है और सबसे ज़्यादा विंड कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर और आसपास इलाके में होने का संभावना है। और मैक्सिमम विंड जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आज से अभी 65-75 किलोमीटर चल रहा है, गोस्टिंग 25 किलोमीटर, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए जब साइक्लोन तट को टकराएगा तब विंड स्पीड 125-135 गोस्टिंग 255 किलोमीटर/आवर हो सकता है। और जब आप धीरे धीरे थोड़ी से राइट की तरफ चलेंगे तो विंड स्पीड कम होगा, जैसे भावनगर, आनंद वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है कि सुरेंद्रनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ विंड स्पीड 60-80 किलोमीटर/आवर हो सकता है और नॉर्थ गुजरात रीजन देखें तो वहाँ विंड स्पीड 40-50 किलोमीटर/आवर हो सकता है धीरे धीरे बढ़ते हुए। 15 का विंड देखें तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी 14 को जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 40-50 कहाँ कहाँ 50-60 होगा मगर जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो बोल रहा था वहाँ 65-75 गोस्टिंग 85 किलोमीटर हुए और ये बढ़ते हुए अभी 15 को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विंड होगा वो है कच्छ, पोरबंदर एंड जामनगर और इसके साथ साथ मोरबी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में 125-135 किलोमीटर/आवर विंड स्पीड हो सकता है। इससे आप जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल वायलेट कलर की तरफ जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट आप दिखाई दे रहे हैं सो वहाँ विंड स्पीड आपका 50-60 KMPH हो जाएगा और जो ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है वहाँ 40-50 किलोमीटर विंड स्पीड हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सो विंड की वजह से डैमेज पोटेंशियल बढ़ता है और ये जो ऑरेंज कलर येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है स्पेशली कच्छ एरिया है, यहाँ विंड का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा आपका मोरबी भी और देवभूमि द्वारका और जामनगर वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी इसका विंड का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होने का संभावना है। नेक्स्ट प्लीज। सो ये है आपका रेनफॉल फोरकास्ट और 14 के लिए हम आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दिए हैं और ये सभी डिस्ट्रिक्ट है गल्फ ऑफ कच्छ के लगे हुए सभी डिस्ट्रिक्ट जितना कि ऐसे कच्छ से शुरू करके इसके बाद मोरबी है और इसके बाद जामनगर है और देवभूमि द्वारका है और पोरबंदर है।
इसके बाद येलो कलर जो दिखाई दे रहा है सौराष्ट्र रीजन पे, वो सभी जगह में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल आज भी हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये 15 तारीख को इंटेंसिटी बढ़ेगा रेनफॉल की, और कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में हम फ्यू प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पोरबंदर, राजकोट, मोरबी एंड जूनागढ़ में हम हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो येलो कलर का डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, वहां हम आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 16th को आप देखेंगे तो रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट हो जाएगा, एंड सिर्फ नॉर्दर्न गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे बनासकांठा और एलगर्डिंग एरिया, वहां 16th को भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ साथ जो साउथ राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी 16th को एवं 17th को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना है। नेक्स्ट प्लीज। सो जो फ्लड का इम्पैक्ट आप देखेंगे तो सौराष्ट्र कच्छ रीजन पे जो आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ शेडेड एरिया जैसे येलो हो कि ऑरेंज हो, उसमें फ्लड का स्थिति उत्पन्न होने का संभावना है। जैसे ऑन द एवरेज दैट टूड बी 0.5 to 1 meter ऑफ फ्लड, दैट यू कैन से जो लो लाइंग एरिया होगा इसमें ज्यादा हाइट का फ्लडिंग सिचुएशन हो सकता है। सो इसका कारण यही है कि हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एरिया उस एरिया में ज्यादा बारिश होता ही नहीं इस पीरियड में। दूसरा रीजन है कि 2 to 3 meter स्टर्म सर्ज यानी टाइडल वेव आने का संभावना है। दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट से कोस्टल डिस्ट्रिक्ट का लो लाइंग एरिया में इनंडेशन हो सकता है। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कच्छ में आप देख रहे हैं, वो सभी क्रीक एरिया है जो कि समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं, वो एरिया यहां भी समुद्र का पानी डायरेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सो ये हमारा फोरकास्ट है स्टर्म सर्ज यानी टाइडल वेव की, जो साइक्लोन की वजह से होता है। हम 2 to 3 meter हाइट का जो टाइडल वेव पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो ये टाइडल वेव सबसे ज्यादा होगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आप देवभूमि द्वारका और जामनगर मोरबी में होगा, मगर लेकिन कम होगा। सबसे ज्यादा लगभग 2.4 to 2.8 meter स्टर्म सर्ज दिखाई दे रहा है नालिया के आसपास जो एरिया है। नेक्स्ट प्लीज। सो जैसे हमने काले जानकारी दिए थे, आज भी हम वही जानकारी रखें। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है। तो इसमें बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है और छोटे घर सामान जैसे कच्चा हाउस हो कि टीन हाउस हो कि एस्बेस्टस हाउस हो, ये सब इसमें इम्पैक्टेड हो सकते हैं। और टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स भी बेंडिंग या अपरूटिंग हो सकते हैं। स्मॉल बोट्स, क्राफ्ट जैसे जो मोरिंग डिटैच हो सकता है। और सॉल्ट स्प्रे की वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकता है। सॉल्ट पैंस और इंडस्ट्रीज ऑफशोर अनशोर इसमें इम्पैक्टेड हो सकता है। पोर्ट्स भी इसमें इम्पैक्टेड हो सकता है, इसलिए हम वार्निंग एंड एडवाइजरी दे रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमारा वार्निंग यही है कि कोई भी फिशरमैन अंदर नहीं जाना चाहिए, फिशिंग ऑपरेशन सस्पेंशन होना चाहिए अप टू 15th, और कोई शिप भी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी को नहीं जाना चाहिए, और पोर्ट्स में जो शिप्स है वो सभी सेफली रहना चाहिए। और पोर्ट्स के जो सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट जितना पोर्ट्स है सभी के लिए हम ग्रेट डेंजर सिग्नल दिए हैं, और नेवल बेस जो है उनको भी हम एप्लीकेशन लेने के लिए हम सुझाव दिए हैं और वार्निंग एंड एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। जो टूरिज्म है वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट बहुत सारे हैं सौराष्ट्र कच्छ एरिया में, जैसे कि गिर सोमनाथ है और सोमनाथ टेम्पल है और द्वारिका मंदिर है, ये सभी के लिए भी हम एडवाइस दे रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए टूरिज्म, एंड पीपल सेफ प्लेस में रहना चाहिए 15 तारीख को, इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। और रेल ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक को भी रेगुलेशन करना चाहिए। सो इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक समरी ही बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो पूर्वानुमान हम जारी किए थे वही पूर्वानुमान हम जारी रखे हैं अभी तक, और ट्रैक और लैंडफॉल पॉइंट में और टाइम में हम कोई ऐसे सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं किए हैं। सर, नट सेल में अगर बाइक के लिए नट सेल में जाना चाहते हैं, इवनिंग टाइम आप एक बार बताएं सर, को सवाल के तौर पर ले लेते हैं सर, ब्रीफ में बता दीजिए कि अभी तक का जो पूर्वानुमान है वो क्या बतलाता है, कितना खतरनाक है, कहाँ हिट करेगा, कितने स्पीड पर हिट करेगा और लैंडफॉल टाइमिंग क्या होगा? अभी का पूर्वानुमान के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जो अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है, वो धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए 15 तारीख शाम को एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे 125 to 135 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड के साथ तट को पार करेगा मांडवी और कराची के बीच में जखो पोर्ट के आसपास। इसकी सीवियरिटी के पीछे क्या रीजंस बने अगर उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो, कैसे सीवियर होता चला गया और क्यों दरअसल ये गुजरात के ही तटीय इलाकों में टकराता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए आप सीजनली पैटर्न देखेंगे तो मई और जून महीना में अरबियन सी में साइक्लोन डेवलप होता है और सीवियर साइक्लोन वेरी सीवियर साइक्लोन भी होता है। इंटेंसिटी साइक्लोन का डिपेंड करता है समुद्र की स्थिति के ऊपर और वायुमंडल की स्थिति के ऊपर। अभी जो वायुमंडल की स्थिति था, समुद्र की स्थिति था, वो सभी फेवरेबल था, अनुकूल था एक साइक्लोन डेवलपमेंट करने के लिए और इसका इंटेंसिफिकेशन के लिए। मगर ये कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि 15 दिन पहले, जेनेसिस का 15 दिन पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ये जानकारी दिया था कि एक साइक्लोजेनेसिस होगा। और जब 6 तारीख को साइक्लोजेनेसिस हो गया तब भी हम बता दिया कि ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन ट्रम होगा और अकॉर्डिंगली ये मॉनिटर हो रहा है, हर 3 घंटा इसका प्रेडिक्शन जा रहे हैं और पास्ट 3 डेज हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि ये सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हीट करेगा 15 तारीख शाम के आसपास एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की वजह से। ये होता है कि अभी मे बी पॉसिबल 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे मूव कर रहा है, आगे मतलब नॉर्थ की साइड में मूव कर रहा है। अगर लगातार वहीं पे है तो कितने टाइम में अब मूव करेगा इस साइड में? देखिए हम जो पूर्वानुमान किए थे अकॉर्डिंगली ये अभी चल रहा है। हम बोले थे कि 14 तारीख को ये नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट करेगा। अभी हमारा जो प्रेडिक्शन है इसके हिसाब से अभी नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट करेगा। जब पाथ परिवर्तन होता है तब साइक्लोन स्लो हो जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी का। हम जब साइक्लोन में जाते हैं तो साइक्लोन भी स्लो स्पीड हो जाता है कोई टर्निंग हम ले रहे तो। सो ऑलरेडी ये पास्ट 3 आवर्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी है और अनदर 3 आवर्स इट में भी स्टेशनरी। इसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्थ ईस्ट दिशा पे सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास पाकिस्तान तट पर आगे बढ़ेगा। सर इस साइक्लोन से मानसून पर कितना असर पड़ा है? मैं तो बोलूंगा कि ये मानसून को हेल्पफुल हुआ है। जो साइक्लोन जो मानसून डिले हो रहा था 8 तारीख को मानसून आ गया जब साइक्लोन जेनेसिस हो गया 6 तारीख को, क्योंकि साइक्लोन की वजह से जो फ्लो है विंड फ्लो सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये स्ट्रेंथनिंग हुआ और ये साइक्लोन स्लो मूव किया साउथ ईस्ट अरबियन सी में बहुत टाइम तक रहा। इसकी वजह से सदर्न पेनिनसुला में वेस्टर्ली विंड स्ट्रॉन्गर हुआ और मानसून एडवांस किया पेनिनसुला में, साउथ पेनिनसुला में। इसके बाद भी ये साइक्लोन नॉर्दर्ली मूवमेंट कर रहा है, ओमान की तरफ गया होता तो एडवर्सली इफेक्ट किया होता, नॉर्दर्ली मूवमेंट किया तो इसमें हमारा जो मानसून फ्लो पैटर्न इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ। फिर भी अभी जो स्थिति है इसमें ये साइक्लोन मानसून सर्कुलेशन से डिटैच हो सकता हो चुका है और ये अभी आगे बढ़ रहा है नॉर्थ की तरफ। इसकी वजह से अभी जब तक ये साइक्लोन है यानी 18 तारीख तक ये डिप्रेशन रहेगा, 17-18 तारीख को लो प्रेशर हो जाएगा, तब तक इसका वजह से थोड़ा सा एडवर्स हो सकता है। मगर इसके बाद यानी 18 तारीख से और 18 तारीख के बाद फिर जो साउथ ईस्ट मानसून सर्कुलेशन है विंड से स्ट्रॉन्गर होगा। हमारा ये पूर्वानुमान है कि 18 से 21 तारीख बीच में साउथ इंडिया का और कुछ हिस्सा और ईस्टर्न इंडिया में मानसून आगे बढ़ेगा।